हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। दोस्तों, हाल ही में मैंने नेटफ्लिक्स पे द बेबीसिटर मूवी देखी और ये फिल्म दूसरी हॉरर जॉनर की फिल्मों से काफ़ी अलग है। अब किसी मूवी का डिफरेंट होना इस बात का प्रमाण नहीं है कि वो फिल्म अच्छी है, लेकिन मैं इस फिल्म को एक्सप्लेन्ड इन सीरीज़ के लिए ज़रूर चुन सकता हूँ। तो आज की एक्सप्लेन्ड इन वीडियो में हम और आप मिलकर द बेबीसिटर फिल्म के बारे में बातें करेंगे और इसके साथ हम इस फिल्म में दिखाई गई विलेन बी की हिस्ट्री जानने की भी कोशिश करेंगे। सो नाउ विद डैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो दोस्तों, द बेबीसिटर फिल्म सन 2017 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म को एमसीजी ने डायरेक्ट किया है। आईएमडीबी पे इस फिल्म की रेटिंग है 6.3 स्टार्स आउट ऑफ 10 और रॉटन टोमेटोज पे इट्स 70% फ्रेश। फिल्म की शुरुआत में हम व्यूअर्स एक 12 साल के बच्चे कोल जॉनसन को देखते हैं, जो कि एक बहुत ही डरपोक सा बच्चा था। कोल को इंजेक्शन, स्पाइडर्स और हर उन छोटी चीज़ों से डर लगता था जिससे यूजुअली लोग नहीं डरते हैं। यही वजह है कि कोल को बच्चे स्कूल में काफ़ी बुली करते थे और इन बुलीज में से एक बंदे का नाम जेरेमी था, जो अनफॉर्चुनेटली कोल का नेबर भी था। कोल के माता पिता के बीच की रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रही थी और अपने मैरिज को बचाने के लिए वो लोग अक्सर वेकेशन पे जाया करते थे। इन वेकेशंस के दौरान कोल अकेला हो जाता था और इसीलिए कोल के पेरेंट्स ने उसके लिए एक बेबी सिटर ढूंढ रखा था, जिसका नाम बी था। बी और कोल काफ़ी अच्छे दोस्त थे और बी के अलावा कोल की एक अच्छी स्कूल फ्रेंड थी जिसका नाम मेलिनी था, और मेलिनी भी कोल की नेबर थी। तो ऐसे ही एक बार कोल के पेरेंट्स वापस आउट ऑफ टाउन जा रहे थे और बी को कोल का ख्याल रखना था। स्कूल में मेलिनी कोल से कहती है कि बेबी सिटर्स अक्सर बच्चों को सुलाकर अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को घर के अंदर लाते हैं ताकि दे कैन हैव फन। इस बात की जांच करने के लिए कोल डिसाइड्स कि आज रात वो जगकर बी पे नज़र रखेगा। तो घर जाने के बाद कोल बी के साथ काफ़ी खेलता है और रात को जब बी उसे पीने के लिए शॉट्स देती है तो वो इस ड्रिंक को चुपके से फेंक देता है। इसके बाद कोल सोने का नाटक करता है और जैसे ही बी उसके कमरे से जाती है, कोल अपने कमरे से बाहर निकलकर बी पे स्पाई करने लगता है। कोल देखता है कि बी ने उसके घर के अंदर कुछ स्ट्रेंजर्स को बुला रखा है और वो सभी ट्रूथ एंड डेयर गेम खेल रहे थे। इन स्ट्रेंजर्स का नाम था मैक्स, जॉन, एलिसन, सोनिया और सैमुअल। तो एक डेयर के दौरान बी को इन सभी लोगों को किस करना था और वो एक एक करके सबको किस करना शुरू करती है। लास्ट में जब बी सैमुअल को किस करती है तो वो एकदम अचानक से सैमुअल के सर में दो चाकू भोंक देती है और रूम में उपस्थित बाकी लोग सैमुअल के सर से निकल रहे खून को एक काइंड ऑफ कप में कलेक्ट करने लगते हैं। इस सीन को देखकर हम व्यूअर्स क्लियरली समझ जाते हैं कि बी इन स्ट्रेंजर्स के साथ कुछ सैटैनिक रिचुअल परफॉर्म करने वाली है और बी ने सैमुअल की बलि दे दी। इसके बाद बी एक बहुत ही पुरानी बुक निकालती है और वो इस बुक को डेविल्स बाइबल बताती है। बी का कहना था कि इस किताब की सिर्फ एक ही पीस अवेलेबल है और इस किताब की एक पर्टिकुलर वर्स को पढ़ते वक्त उसे बलि दी गई बंदे का खून इस बुक पे गिराना होगा। ऐसा करने से इस कमरे में मौजूद सभी लोगों की कोई भी इच्छा पूरी हो जाएगी, लेकिन इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए उन लोगों को एक मासूम बच्चे का खून भी चाहिए होगा और वो मासूम बच्चा और कोई नहीं बल्कि कोल होने वाला था। अब दोस्तों, कोल इन सारी चीज़ों को देख रहा था और बी की हरकतों को देखकर कोल बहुत ज़्यादा डर गया। कोल फौरन भागकर अपने कमरे में जाता है और वो अपने फ़ोन से 911 कॉल करके पुलिस को इन्फॉर्म करता है। इसके बाद कोल सोने का नाटक करता है और बी अपने दोस्तों के साथ कोल के कमरे में आकर कोल का ब्लड एक सिरिंज से निकाल लेती है। कोल वॉज स्केयर्ड ऑफ सिरिंज, लेकिन वो किसी तरह अपने डर पे काबू पाता है और इस सीन में हम व्यूअर्स को ये भी पता चलता है कि बी ने कोल के शॉट्स में नींद की दवा मिला दी थी ताकि कोल 8 घंटे तक सोता रहे, लेकिन जो कि कोल ने शॉट्स पिया ही नहीं, ही वॉज वाइड अवेक। तो लोगों के कमरे से जाने के बाद कोल घर से भागने की सोचता है और इसीलिए वो कुछ कपड़ों को आपस में बांध कर खिड़की से बाहर लटकाता है ताकि वो उसका सहारा लेकर नीचे पहुंच जाए और यहां से दूर भाग जाए। अब इससे पहले कोल
कोल यहां से भाग पाता, बी वापस से कोल के कमरे में आ गई थी और खून निकलने की वजह से कोल फेंट कर जाता है। जब कोल को होश आता है तो वो एक चेयर से बंधा हुआ था और उसके सामने वो सारे स्ट्रेंजर्स खड़े थे। कोल प्रिटेंड्स कि उसने कुछ नहीं देखा है और वो एकदम मासूम बनने की कोशिश करता है, लेकिन ऐन वक्त पे घर में पुलिस आ जाती है और अफरा तफरी में मैक्स एक पुलिस वाले को मार गिराता है। दूसरे पुलिस को बी मार डालती है और इस हाथापाई में पुलिस की एक गोली एलिसन के सीने में जाकर लगती है। अब दोस्तों यहाँ दोनों पुलिस वाले मर चुके थे, लेकिन उनके वॉकी पे बैकअप यूनिट की वॉइस मैसेजेस आ रही थी। इन मैसेजेस का रिप्लाई सिर्फ पुलिस कोड्स की मदद से ही किया जा सकता था और इन कोड्स के बारे में सिर्फ कोल को ही पता था, क्योंकि ही ऑलवेज वॉन्टेड टू बी ए पुलिस और वो काइंड ऑफ एक नर्ड था। बी कोल को धमका कर उससे सही कोड्स लेती है और मैक्स इन कोड्स का इस्तेमाल करके ये मैसेज पहुंचाता है कि यहां सब कुछ एकदम ठीक है। इन घटनाओं के दौरान कोल चुपके से अपनी रोप्स कट करके ऊपर वाले कमरे की तरफ भागता है और जॉन कोल का पीछा करता है। इस भाग दौड़ में जॉन सीढ़ियों से स्लिप करके नीचे गिरता है और उसकी गर्दन एक पॉइंटी ट्रॉफी के आड़ पाड़ होती है, जिससे जॉन की मौत हो जाती है। कोल अपने कमरे की खिड़की से घर से बाहर कूद जाता है और वो जल्दी से अपने घर के क्रॉल स्पेस में छुप जाता है जहां ढेर सारे स्पाइडर्स थे, लेकिन कोल अपनी स्पाइडर वाली डर पे भी काबू पा लेता है। सोनिया कोल को ढूंढते ढूंढते इस क्रॉल स्पेस में आ जाती है और कोल सोनिया की तरफ एक फायरवर्क्स वाला रॉकेट चला देता है। सोनिया इस रॉकेट से तो बच जाती है, लेकिन कोल बड़े ही चालाकी से सोनिया को क्रॉल स्पेस में लॉक करके उस पर बग स्प्रे मारता है। ये स्प्रे इस रॉकेट में जल रही आग से रिएक्ट करता है और इस रिएक्शन की वजह से क्रॉल स्पेस में एक जोरदार धमाका होता है, जिससे सोनिया मारी जाती है। इस धमाके को सुनकर मैक्स कोल के पीछे आता है और वो कोल को मारने की कोशिश करता है। कोल भाग कर एक ट्री हाउस पर चढ़ जाता है और भागम भाग में कोल और मैक्स दोनों ट्री हाउस से नीचे गिरते हैं, लेकिन मैक्स के गर्दन में एक रस्सी फंस जाती है जिससे उसे काइंड ऑफ फांसी लग जाती है। नाउ इवन मैक्स वॉज डेड, और इससे पहले कोल अपने आप को संभाल पाता, बी उस पर शॉटगन से गोली चलाना शुरू करती है। गोलियों से बचते हुए कोल अपने पड़ोसी मेलेनी के घर पहुंच जाता है और वो मेलेनी से पुलिस को कॉल करवाता है। यहाँ हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि मेलेनी और कोल एक दूसरे को पसंद कर रहे थे और कोल मेलेनी को बचाने के लिए उसके घर से निकलकर अपने घर के अंदर वापस जाता है। नाउ सरप्राइजिंगली बी ने उसके घर को एकदम क्लीन कर दिया था, एज इफ वहाँ कुछ हुआ ही नहीं है, और कोल को वहाँ एलिसन बेहोश दिखती है। अब इससे पहले कोल कुछ कर पाता, एलिसन एकदम से होश में आकर कोल पे हमला करती है, और इससे पहले एलिसन कोल को मार पाती, बी वहाँ आकर एलिसन के सर को एक शॉटगन से उड़ा देती है। अब बी कोल की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन कोल बड़ी ही चालाकी से बी की सैटैनिक बुक उठाकर उसे जला डालने की धमकी देता है। अब चूंकि ये बुक काफ़ी पुरानी और सिंगल पीस थी, बी डर जाती है और वो कोल को न मारने के लिए तैयार हो जाती है। बी बताती है कि कई साल पहले उसने सैटन के साथ डील किया था, जिसमें वो सैटन को इनोसेंट लोगों का खून चढ़ाएगी और इस बुक की लाइंस पढ़कर वो सैटैनिक रिचुअल को कंप्लीट करेगी। इसके बदले बी को वो सब कुछ मिलेगा जो उसे चाहिए। फॉर एग्जांपल, बी पहले बहुत ही स्मॉल और वीक थी, लेकिन अब वो काफ़ी स्ट्रांग और कॉन्फिडेंट है। इन बातों के दौरान हम व्यूअर्स को ये भी पता चलता है कि बी ने इस रिचुअल को पहले कई बार कर रखा है और कोल पहला इनोसेंट बच्चा नहीं है जिसको बी ने इस रिचुअल में फंसाया है। बी सजेस्ट कि अगर कोल पुलिस बुलाकर उनसे ये कहे कि बाकी लोग कातिल थे और बी बस उसे बचाने में मदद कर रही थी, तो वो उसे जिंदा छोड़कर इस शहर से दूर चली जाएगी। लेकिन कोल एकदम हीरोइक मूड में था और वो इस सैटैनिक बुक को जलाकर घर के बाहर भागता है। बी इस बुक में लगी आग को बुझाने की कोशिश करती है और इतने देर में कोल मेलेनी के डैड की कार चुरा कर अपने घर में ठोक देता है, जिससे बी वॉज हर्ट और वो उस कार के नीचे फंस जाती है। कोल इस रैकेट से बाहर निकलता है और हम व्यूअर्स वहाँ पुलिस को आते देखते हैं। कोल के पेरेंट्स भी फौरन वापस आ जाते हैं और अब सब कुछ अंडर कंट्रोल था। कोल और मेलेनी काफ़ी क्लोज हो चुके थे और कोल ने अपनी सारी डरों पर काबू पाके ये प्रूव कर दिया था कि उसे किसी बेबीसिटर की ज़रूरत नहीं है। मूवी की पोस्ट क्रेडिट सीन में हम व्यूअर्स एक फायरमैन को कोल के घर को एग्जामिन करते देखते हैं और सरप्राइजिंगली बी कार के अंदर फंसी हुई नहीं थी। तभी अचानक हम व्यूअर्स बी को एकदम से फायरमैन पे चाकू से हमला करते देखते हैं, विच सजेस्ट्स कि बी अब तक जिंदा है और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी द बेबीसिटर मूवी की स्टोरी, और टू बी ऑनेस्ट इस फिल्म की कहानी काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। यहाँ हम व्यूअर्स के मन में सिर्फ एक ही सवाल आता है कि आखिर बी है कौन और वो ये सैटैनिक रिचुअल्स क्यों कर रही है। अब इस सवाल का जवाब हमें मूवी में नहीं दिया गया है, लेकिन मूवी में दिखाई गई कुछ सीन्स की मदद से हम इस बात को पता लगाने की कोशिश जरूर कर सकते हैं।
तो दोस्तों मूवी में हमें बताया गया है कि बी पहले बहुत ही स्मॉल और वीक थी, लेकिन इस रिचुअल को करने के बाद बी काफी स्ट्रांग और कॉन्फिडेंट हो चुकी है। इतना ही नहीं, हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि बी काफी अट्रैक्टिव भी है और वो काइंड ऑफ नर्ड भी थी। अब ये सारी क्वालिटीज एक ही इंसान के अंदर होना काफी मुश्किल है, एंड दिस सजेस्ट्स कि बी ने इस रिचुअल को कई बार अलग अलग शहरों में अलग अलग बच्चों के साथ किया है। दिस ऑल्सो प्रूव्स कि बी इतनी यंग नहीं है जितनी वो दिखती है। आई मीन इट इज क्वाइट पॉसिबल कि बी की उम्र कई सौ साल है, लेकिन सैटर्न से अपनी विश पूरी करवा के शी इज एबल टू लुक यंग एंड ब्यूटिफुल। इस थ्योरी को सपोर्ट करती है मूवी में दिखाई गई बुक, जो कि कई सौ साल पुरानी थी और ये किताब बी के पास थी। ऑन द फ्लिप साइड ऐसा भी हो सकता है कि बी यंग ही है और उसे ये बुक किसी और ने दिया होगा। अब दोस्तों मूवी में बताई गई रिचुअल को बी अकेले भी कर सकती थी, लेकिन वो अपने साथ चार अलग अलग लोगों को भी लाती है। ऐसा करके बी उन लोगों की विश भी पूरी करवाती है, एंड एज वी ऑल नो सैटर्न लोगों की विश पूरी करने के बदले उनकी आत्माओं का सौदा करता है। यानी कि बी ने इन लोगों को भी फंसा कर यहाँ लाया ताकि वो इनकी आत्माओं को सैटर्न के हाथ में सौंप दे और बदले में उनकी विश पूरी हो जाएगी। मूवी के लास्ट सीन में बी के ऊपर लिटरली एक घर और स्पोर्ट्स कार गिर गई थी, लेकिन वो फिर भी वहां से एकदम सही सलामत जिंदा बच गई, विच आई थिंक इज क्वाइट इम्पॉसिबल फॉर ए ह्यूमन बीइंग। इससे हमारे सामने नई थ्योरी आती है कि बी एक ह्यूमन नहीं बल्कि एक विच थी। जी हाँ दोस्तों, बी कई सालों से सैटर्न के लिए काम कर रही थी और वो हमेशा सैटर्न को लोगों की बलि देती थी। मूवी के अंदर बी ने साफ साफ बोला था कि कोल जैसे इनोसेंट बच्चे काइंड ऑफ चूज किए जाते हैं और वो बस उन्हें फंसाती है, यानी कि सैटर्न खुद ऐसे इनोसेंट बच्चों को चूज करके उनका ब्लड सैक्रिफाइस बी से करवाता है। एक और सीन जहां कोल वापस अपने घर में जाता है और उसके घर के अंदर सारी सफाई हो चुकी थी विद इन मिनट्स, जो कि इम्पॉसिबल है। आई मीन अगर आपके घर में खून गिरता है तो उसे साफ करने में कई घंटे लग जाते हैं, और यहां तो तीन चार लोग लिटरली मारे गए थे और बी ने उन सभी चीजों को कुछ मिनटों में ही साफ कर दिया। ऐसा एक ह्यूमन नहीं कर सकता है। इसके अलावा मूवी की एक सीन में हम व्यूअर्स बी के हाथ पे क्लियरली इस कैट की टैटू देख सकते हैं, एंड एज वी ऑल नो ब्लैक कैट को कई सालों से विचक्राफ्ट और सैटनिज्म से जोड़ा जाता है, विच अगेन प्रूव्स कि बी भी एक विच थी। अब दोस्तों इन सारी थ्योरीज की कोई बैकिंग नहीं है और ये गलत भी हो सकती है, लेकिन मूवी की एंडिंग को देखकर ऐसा लगता है मानो इस फिल्म की सीक्वल हमें जल्द ही देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई फर्स्ट लिंक का इस्तेमाल करके मुझे पेटीएम पे डोनेट करके सपोर्ट कर सकते हैं। इवन ए सिंगल रुपी डोनेशन मींस अ लॉट, और इन डोनेशन से मैं अपने हॉरर जॉनर के चैनल को यूट्यूब पे सस्टेन कर पाऊंगा। अब अगर आपके मन में कोई डाउट्स या फिर मेरे लिए कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, जाइए और अपने सवाल हमसे वहां पूछ लीजिए। जाने से पहले हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।